ने शायद फाइनली शायद उन्होंने क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी दिखाने की सोची है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था या पाकिस्तान के किसी मीडिया को नहीं पता था, नहीं पता, उनको पता था कि यार होना क्या है। इट्स जस्ट दैट दे वर आल्सो होपिंग अगेंस्ट होप, बिकॉज आपको मालूम है जब इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के बीच रिश्ता नहीं है तो बोर्ड क्या कर लेगा, बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, इनको चैंपियंस ट्रॉफी मिला, इन्होंने अपनी तैयारी की, एंड आई थिंक मोहसिन नकवी साहब जब से आए ही डिड ऑल द राइट, ही मेड ऑल द राइट नॉइज़, उन्होंने कुछ ऐसा इंडिया के खिलाफ ये वो नहीं बोला, बट आई थिंक उनको इतनी लेट तक लेकर आने का नुकसान ये हुआ कि अब आईसीसी जो लेट इतना लेके आया आईसीसी में फंस गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद फाइनली शायद उन्होंने क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी दिखाने की सोची है। अब जब वो दिखाएंगे तब पता चलेगा, बिकॉज इससे पहले क्या होता था, पिछले साल भी उन्होंने बोला तो बहुत कुछ, मतलब क्या है रीढ़ की हड्डी कैसे दिखा रहे हैं वो? पिछले साल उन्होंने बोला बहुत कुछ था, एशिया कप वही रेंग रेंग के आओगे, फिर वर्ल्ड कप हम नहीं आएंगे, एंड सब कुछ हुआ। खैर, पॉइंट ये है कि अब वहां से कह रहे हैं जी पाकिस्तान सरकार ने ये कह दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप हाइब्रिड के अलावा कुछ नहीं मानोगे। ठीक है, ये किसने कहा आपको? यार आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान ने कल पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट को बाकी शहरों से लाहौर बुलाया। पाकिस्तान क्रिकेट की बोल रहे हैं जी, बहुत बड़े या सबसे बड़े? सबसे बड़े। तो मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बुलाया उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया लाहौर, ठीक है, इधर उधर से फ्लाइट लेके, ठीक है, और ये कहा कि आप ये भाई इंडिया का भी मीडिया से चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आप ऐसे 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 ऑब्वियसली यू फाइट फॉर आर केस, और ये खबर चला दो कि हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह दिया है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे हमें ये कह दिया, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आप अड़े रहोगे, आप हाइब्रिड में ही होगा नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन है हम अड़े रहेंगे, बट होगा क्या? अच्छा, एक सेकेंड, बुधवार या थर्सडे या फ्राइडे इस हफ्ते तक, आई थिंक हो सकता है आपको थर्सडे फ्राइडे तक आपको पता चल जाएगा कि स्केड्यूल, दो ऑप्शंस हैं जो आईसीसी भी, मैं मानता हूं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास एक बार्गेनिंग चिप आ गई है जो शायद वो आज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसका चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहां पर होगी? अगर पाकिस्तान में होती है तो इंडियन टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, तो इसके अंदर पाकिस्तान नुकसान होगा, और अगर चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर करवाया जाता है तो उसके अंदर पाकिस्तान टीम या किसी भी क्रिकेट बोर्ड में शिरकत नहीं करेगा, जिसके बाद इसकी वजह से आईसीसी को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम तरह सिचुएशन है जिसके अंदर आईसीसी फंस चुका है। एक तरफ आता तो इंडिया इनकार करता है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम इनकार करती है। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्लियर का स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने इंडिया के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान में, और अगर अब की बार इंडिया ने कोई हेला बहाना किया या कुछ भी ऐसा मसला किया कि जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान ना आई, तो आगे आने वाले दौर के अंदर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, कोई भी बड़ा इवेंट हुआ क्रिकेट की तारीख का, कोई भी बड़ा इवेंट हुआ किसी भी मुल्क में हुआ, पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ किसी भी सूरत नहीं खेलेगी। इतनी बड़ी खबर है जिसके बाद आईसीसी वाले भी हिल गए कि अगर इंडियन टीम ने वाकई पाकिस्तान को खुला किया और पीसीबी ने अपना स्टांस ले लिया तो आगे जितनी भी बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हैं उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट होती है पाक इंडिया के मैच में, क्योंकि करोड़ों अरबों की होती है व्यूअरशिप पाकिस्तान इंडिया के मैच में, सबसे बड़ा फंड जनरेटर मैच भी यही वाला होता है, और अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा तो कहाँ की व्यूअरशिप, कहाँ का फंड, जिसके बाद आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर को, मैच इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि इतना बड़ा नुकसान आईसीसी कभी भी होने नहीं देगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अब आईसीसी दोनों तरफ जोर लगा रहा है किसी भी तरह इंडियन टीम को मनाकर पाकिस्तान ले आए या पाकिस्तान टीम में थोड़ी नरमी कर दी जाए, पीसीबी को थोड़ा बना लिया जाए कि वो हाइब्रिड मॉडल पर मान जाए, फिर ज्यादा मैच पाकिस्तान में, कुछ मैच पाकिस्तान के बाहर, लेकिन फिलहाल दोनों सिचुएशन में आईसीसी मुकम्मल फंसा हुआ है और आईसीसी दोनों तरफ 50-50 खेल रहा है। पाकिस्तान के किसी मीडिया को नहीं पता था, उनको पता था कि यार होना क्या है। इट्स जस्ट दैट दे वर आल्सो होपिंग अगेंस्ट होप, बिकॉज आपको मालूम है जब इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के बीच रिश्ता नहीं है
तो बोर्ड क्या कर लेगा, बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, इनको चैंपियंस ट्रॉफी मिला, इन्होंने अपनी तैयारी की, एंड आई थिंक मोहसिन नकवी साहब जब से आए ही मेड ऑल द राइट नॉइज़, उन्होंने कुछ ऐसा इंडिया के खिलाफ ये वो नहीं बोला, बट आई थिंक उनको इतनी लेट तक लेकर आने का नुकसान ये हुआ कि अब आईसीसी जो लेट इतना लेके आया, आईसीसी में फंस गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद फाइनली शायद उन्होंने क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी दिखाने की सोची है। अब जब वो दिखाएंगे तब पता चलेगा, बिकॉज इससे पहले क्या होता था, पिछले साल भी उन्होंने बोला तो बहुत कुछ, मतलब क्या है रीढ़ की हड्डी कैसे दिखा रहे हैं वो? पिछले साल उन्होंने बोला बहुत कुछ था, एशिया कप वही रेंग रेंग के आओगे, फिर वर्ल्ड कप हम नहीं आएंगे, एंड सब कुछ हुआ। खैर, पॉइंट ये है कि अब वहां से कह रहे हैं जी पाकिस्तान सरकार ने यह कह दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप हाइब्रिड के अलावा कुछ नहीं मानोगे, ठीक है। ये किसने कहा आपको? यार आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान ने कल पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट को बाकी शहरों से लाहौर बुलाया। पाकिस्तान क्रिकेट की बोल रहे हैं आप? हाँ जी। बहुत बड़े या सबसे बड़े? सबसे बड़े। तो मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बुलाया, उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया लाहौर, ठीक है, इधर उधर से फ्लाइट लेके, ठीक है, और ये कहा कि आप ये भाई इंडिया का भी मीडिया से चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आप ऐसे 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 ऑब्वियसली यू फाइट फॉर आर केस, और ये खबर चला दो कि हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह दिया है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे हमें ये कह दिया, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आप अड़े रहोगे, आप हाइब्रिड में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन है हम अड़े रहेंगे, बट होगा क्या? अच्छा, एक सेकेंड, बुधवार या थर्सडे या फ्राइडे इस हफ्ते तक, आई थिंक हो सकता है आपको थर्सडे या फ्राइडे तक आपको पता चल जाएगा कि स्केड्यूल। दो ऑप्शंस हैं जो आईसीसी भी, मैं मानता हूं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास एक बार्गेनिंग चिप आ गई है जो शायद वो आज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका वो फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स लाइक अ बिटकॉइन जिसकी वैल्यू ऊपर जाती रहेगी। आज पाकिस्तान कहे नहीं जी यही होगा, वो कुछ नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या हाइब्रिड होगी या तीसरे मुल्क में होगी। तीसरे मुल्क में तब होगी, जैसे उनके रावलपिंडी का अपेरेंटली आज कंस्ट्रक्शन स्टेडियम का बंद हो गया है पॉल्यूशन के कारण शायद कह रहे हैं, और वैसे भी बता रहे हैं कि बाकी जगह भी थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर उनका स्टेडियम ही स्लो रहे तो पूरी का पूरा भी चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है, बट बेस्ट केस एज ऑफ नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है कि वो पाकिस्तान में हो प्लस दुबई में हो, हाइब्रिड हो। अब हाइब्रिड में इंडिया का प्रपोजल जो है वो ये है, इंडिया के मैचेस इन दुबई, वन सेमीफाइनल इन दुबई एंड फाइनल ऑल्सो इन दुबई, क्योंकि जी लास्ट मिनट पे ये थोड़ी होगा कि इंडिया पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर पाकिस्तान चाहे, उनको अगर वो बार्गेन कर सकते हैं तो उनकी बार्गेनिंग में